नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। तो झारखंड की 3 सीटों पर एक चुनाव को होने वाले चुनाव के लिए अब चुनावी शोर थम गया है और तमाम प्रत्याशियों के समर्थन में उनके स्टार प्रचारक, उनकी पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने पूरा जोर लगाया। संताल की 3 सीटें हैं, दुमका, राजमहल और गोड्डा, जहां चुनाव प्रचार ने काफी रफ्तार पकड़ी, चूंकि आखिरी चरण था। सभी क्षेत्रों से जो स्टार प्रचारक है वो फ्री हो चुके थे और लगातार ताबड़तोड़ इन तीनों सीटों पर पूरी ताकत झोंक दी है सभी ने। प्रत्याशियों से लेकर उनके पार्टी के सुप्रीमो तक ने लगातार इन इलाकों में, इन सीटों पर चुनावी प्रचार किया है। अब चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और आकलन करेंगे अब कि कहां कमी रह गई या फिर जनता उनके समर्थन में नजर आ रही है। तो अपने अपने दावे भी होंगे। दुमका, राजमहल और गोड्डा की ये सीटें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दुमका पर। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन। रंजन जी, ये जो दुमका की सीट है ये काफी महत्वपूर्ण बन गई है। हालांकि संताल की तीनों सीटें महत्वपूर्ण है, लेकिन दुमका की सीट को इसलिए खास महत्वपूर्ण माना जा रहा है, एक तो ये उपराजधानी है, दूसरा संताल की प्रमुख सीट दुमका है और सीता सोरेन यहां से चुनावी मैदान में है। जेएमएम छोड़कर बीजेपी का दामन थामने के बाद काफी ज्यादा चुनाव प्रचार में दोनों खेमों ने यहां दम लगाया है, लेकिन दुमका सीट का मिजाज कैसा रहा है? देखिए, दुमका सीट सबसे हॉट सीट अगर मैं कहूं कि पूरे झारखंड में बन गई है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी और ये माना भी जा रहा है। देखिए, दुमका और गिरिडीह दो ऐसी सीट है जिसके चुनाव परिणाम पर सभी की नजर रहेगी। तो हम दुमका की बात कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि जो दुमका सीट है, जैसा आपने बताया कि सीता सोरेन बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं और परिवार को छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुई हैं और अब चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं या अब चुनाव लड़ रही हैं। और उनके सामने जो हैं वो आपको 7 बार के विधायक हैं नलिन सोरेन, वो खड़े हैं। जहां तक हम दुमका की बात करें तो यहां पर 15,91,061 जो वोटर हैं वो हैं, जिनमें कि 7,99,045 पुरुष हैं और महिला जो हैं वो 7,92,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं और आपको थर्ड जेंडर के भी 6 वोटर यहां पर दुमका में आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां पर अगर हम चुनावी परिदृश्य पर अगर हम बात करें तो दुमका में एक चीज जो और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ जो यूथ वोटर्स हैं वो भी लगभग 56,400 से कुछ ज्यादा हैं, तो उनके वोट का भी बड़ा ही इम्पॉर्टेंस है। अब जहां तक दुमका की हम बात कर लें तो वहां पर चुनाव प्रचार बहुत सघन रहा है और न सिर्फ दुमका, राजमहल और गोड्डा की भी हम अगर जोड़कर बात करें तो यहाँ पर दोनों ही पक्ष से जो प्रचार हुआ है वो पूरे जोर शोर से हुआ है, दमखम से हुआ है और सभी ने सब कुछ झोंक दिया है। प्रधानमंत्री की सभा दुमका में होती है, इसके अलावा आप देखिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचते हैं, संथाल में छत्तीसगढ़ के सीएम को भी उतारा जाता है, अर्जुन मुंडा लगातार वहां पर सभा कर रहे हैं ये देखते हुए कि यहां पर जो है आदिवासी वोटर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं और अर्जुन मुंडा खुद जनजातीय मंत्रालय संभालते हैं तो उनकी सभाएं हुई और इन सब के बीच जो बाबूलाल मरांडी हैं उनका इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत बढ़ जाता है क्योंकि यहां पर उन्होंने शिबू सोरेन को 2 बार पराजित किया है लोकसभा चुनाव में और वो पिछले 2 सालों से लगातार जो है वो दुमका और संथाल के एरिया में जाते रहे, करीब 20 से अधिक उनके दौरे यहां पर हुए हैं और लोगों को वहां पर उन्होंने जो है भाजपा की तरफ मोड़ने के लिए प्रयास किया है। अब दूसरी तरफ हेमंत सोरेन जेल चले गए, लगा जैसे खालीपन वहां पर आ जाएगा लेकिन उस जगह को भरती हैं उन्हीं की पत्नी कल्पना सोरेन जो इस चुनाव में बहुत एक्टिव रही और दुमका में उन्होंने पूरा जोर लगाया, वो हर जगह जहां तक पहुंच सकती थी पहुंची, लोगों को कन्विंस किया और एक आदिवासी अस्मिता की बात उठाई, ये कहा कि साजिशन हेमंत सोरेन को फंसाया गया है। तो दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें वहां पर कही गई हैं। प्रधानमंत्री दौरे पर आए तो उन्होंने भ्रष्टाचार पर जो है उन्होंने
फिर से एक बार हमला बोला और घुसपैठिए की बात उठाई और ये भी कहा कि यहाँ पर जो आदिवासियों की संख्या है वो कम हो रही है और इसके लिए जो है घुसपैठ जिम्मेदार है। जो एक सबसे दिलचस्प बात आसिया जी प्रधानमंत्री की सभा से जो निकल कर आई थी, चूंकि उन्हें ये पता है कि दुमका हो राजमहल हो, अगर यहाँ आप देखें तो क्रिश्चियन वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है, तो उन्होंने इसे ध्यान में रखते हुए जो एक वक्तव्य दिया कि पहले रविवार को छुट्टी होती थी और ये जब अंग्रेज यहाँ पर थे उसी समय से ये चलता चला आ रहा है और ये उनके लिए जो है एक हॉलिडे होता है क्रिश्चियंस के लिए, लेकिन अब जो है छुट्टी को शुक्रवार को किया जा रहा है, तो यहाँ पर वो क्रिश्चियन वोटर्स को भी साधते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर दुमका में अगर आप देखें तो दोनों तरफ से जो प्रचार हुआ है वो जबरदस्त हुआ है, जो दोनों प्रत्याशी हैं दोनों ही बड़े प्रत्याशी हैं, चाहे आप नलिन सोरेन की बात कर लीजिए या आप सीता सोरेन की बात कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर समीकरण देखें दुमका में तो क्रिश्चियंस जो हैं वो लगभग 4% के आसपास, जो मुस्लिम हैं वो 17-18% के आसपास, शेड्यूल कास्ट भी 8% के आसपास हैं और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो 40% के आसपास हैं। तो इसी के इर्द गिर्द जो है पूरा चुनावी प्रचार दुमका में किया गया, चाहे वो सीता सोरेन हो, सीता सोरेन की दोनों जो उनकी तीनों बेटियां हैं उन्होंने भी चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया, वो भी जितना अपनी माँ के लिए जो कैंपेनिंग कर सकती थी वो उन्होंने किया, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की। दूसरी तरफ नलिन सोरेन मंझे हुए राजनीतिज्ञ, उन्हें पता है कि क्षेत्र में क्या कुछ होता है कैसे सब कुछ होता है, तो अब एक आखिरी मोड़ पर आ गया है, अब 1 जून को वोट डाले जाएंगे तो उस वक्त पता चलेगा कि जो इतना जोर जो है दोनों पक्ष की ओर से लगाया गया है उसका क्या फल जो है आता है। रंजन जी, आपने सीता सोरेन की बेटियों का जिक्र किया, तीनों ही कम उम्र की हैं लेकिन कोशिश कर रही हैं और जिस तरह राजनीति में वो अपनी पैठ बनाती हुई नजर आ रही है, चुनाव प्रचार कर रही है, मीडिया से जिस तरह वो मुखातिब हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अब नेक्स्ट जनरेशन तैयार हो रहा है चुनावी मैदान में कूदने के लिए। देखिए, मैं तो हमेशा ही जब कोई नया जनरेशन राजनीति की ओर आना चाहता है तो मैं उसका हमेशा स्वागत करता हूं और मुझे लगता है कि युवाओं को राजनीति की तरफ आना चाहिए, क्योंकि जब वो आएंगे तो राजनीति में जो है वो और सुचिता आएगी और साफ सुथरी राजनीति आएगी, क्योंकि युवाओं के अंदर आदर्श सिद्धांत ये सारी चीजें होती हैं, तो अगर वो उनको लेकर आते हैं अच्छे विचार से आते हैं तो वो राजनीति को आप कह सकते हैं कि फायदा पहुंचेगा और ये देश के लिए भी बेहतर होगा, राज्य के लिए भी बेहतर होगा कि जो युवा चेहरे हैं वो आए। अब वो सीता सोरेन की बेटियां भी अगर आना चाहती हैं तो उन्हें आना चाहिए, वो इसमें हिस्सा लें, चुनावी राजनीति देखें, राजनीति को समझें बूझें ये क्या होता है और फिर समाज की बेहतरी के लिए काम करें, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो इसलिए अगर वो यहाँ पर राजनीति में आना चाहती हैं तो उनका स्वागत है, उन्हें आना चाहिए। और देखिए, इस चुनाव में जो उनकी बेटियां हैं वो बहुत आगे रहकर जो है सीता सोरेन का चुनाव प्रचार उन्होंने किया, एक तरह से पूरा चुनाव प्रचार उन्होंने संभाल रखा था, आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगालिए, वहां पर जाइए और देखिए, तो हमेशा आपको राजश्री सोरेन हो जयश्री सोरेन हो ये ट्वीट्स के जरिए जो है जो एक्स पर पोस्ट किए जाते हैं, मतलब सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रही हैं, जो कार्यक्रम लगते थे उसकी जानकारी देते रहती थी, जो घटनाएं घटित हो रही हैं उस पर अपने थॉट्स लिखते रहती थी, तो इन्होंने जो है अपनी भूमिका निभाई है। अब इसे अगर वो इस क्षेत्र में अगर आना चाहती हैं तो उन्हें बिल्कुल आना चाहिए। चलिए, तो दुमका की जंग काफी दिलचस्प और सीता सोरेन की बेटियों ने इसे और भी दिलचस्प बना दिया है, लेकिन नलिन सोरेन के लिए भी कल्पना सोरेन ने खूब पसीना बहाया है। अब जब चुनाव प्रचार शांत हो गया है तो अब मतदाताओं के पास वक्त है 48 घंटों का, वो सही तरीके से अपने कैंडिडेट का चुनाव करेंगे, उनके लिए वो दोनों कंपेयर करेंगे, दोनों के भाषणों को, दोनों के वायदों को, दावों को, और उसके बाद वो अपने बूथों तक पहुंचेंगे, क्योंकि मतदाता भी काफी स्मार्ट है और वो झांसे में नहीं आते, अपनी सोच समझ इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, संताल की एक और सीट है और वो सीट है राजमहल की सीट, ये भी काफी दिलचस्प सीट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार यहां से दो बार से विजय हांसदा सांसद रहे हैं, लेकिन
उन्हें टक्कर देने के लिए ताला मरांडी के साथ लोबिन हेमरम भी चुनावी मैदान में है। तब लोबिन हेमरम के मैदान में कूदने से ये जो जंग है राजमहल की, ये जंग कितनी दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। रंजन जी, ये जो राजमहल की सीट है, इसका जो मिजाज रहा या यहाँ जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ है, उसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अगर आप राजमहल की बात करें तो यहाँ पर लोबिन हेमरम के चुनाव लड़ने से ये चुनाव जो है वो दिलचस्प हो गया है। अगर आप यहाँ पर डेमोग्राफी देखें और जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो मुस्लिम और आदिवासी, अगर इन्हें ही आप जोड़ दें तो ये लगभग 65-70% के बीच में पहुंच जाता है। तो अगर जिस प्रत्याशी को भी इन दोनों का समर्थन एक साथ मिल जाए तो फिर उसके लिए हार की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। लेकिन यहां पर लोबिन हेमरम के चुनाव लड़ने से ताला मरांडी भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो आदिवासी वोटर्स हैं वो तो तीनों तरफ अपना हिस्सेदारी देंगे ही, वो बटेंगे ही। मुस्लिम वोटों में भी जो है यहाँ पर सेंधमारी हो सकती है अगर लोबिन हेमरम उन्हें ये विश्वास दिला पाने में सफल हो। हालांकि अगर आप इस चुनाव को देखें तो ट्राइंगुलर फाइट जो है, अगर हम गिरिडीह और एक हमने लोहरदगा में देखा था, और ये तीसरी सीट है जहां पर जो है अपना असर डाल सकती है, तो क्या लोबिन हेमरम उतने जोर से लड़ रहे हैं या जो पब्लिक है उन्हें उस तरह से ले रही है कि ये मुख्य मुकाबले में है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर आप देखिए तो यहां पर अगर बीजेपी की तरफ से आप देखिए तो उसकी जो सारी संभावनाएं हैं वो इस पर टिकी हैं कि लोबिन हेमरम कितना वोट लेकर आ पाते हैं और पोलराइजेशन किस तरह से होता है। देखिए, विजय हंसदा चूंकि दो टर्म से आपको सांसद हैं तो एक उनके लिए कुछ नाराजगी भी दिखती है लोगों में, लेकिन अगर आप इसे इस तरह से देखें कि जेएमएम का उन्हें पूरा सपोर्ट है और कल्पना सोरेन ने वहां उनके लिए जाकर कई सभाएं की, जो तमाम स्टार प्रचारक थे वो वहां पर पहुंचे, जो जेएमएम की ओर से जा सकते थे सभी ने वहां पर चुनाव प्रचार किया है। इसके अलावा अगर आप देखिए बीजेपी की तरफ से भी पूरी कोशिश की गई है और जो जितने स्टार प्रचारक पहुंचे, जब प्रधानमंत्री ने दुमका में सभा की थी तो वहां उस मंच पर आपको ताला मरांडी भी मौजूद थे। इसके अलावा विष्णुदेव साय जो कि छत्तीसगढ़ के आपको मुख्यमंत्री हैं, उनकी सभा लगाई गई ताकि वो आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। आपको बताऊं कि जो कोडरमा से बीजेपी की प्रत्याशी हैं अन्नपूर्णा देवी, उनका मायके भी संथाल में ही है, तो वो भी यहाँ पर जो दुमका और राजमहल के लिए जो है वो जमकर प्रचार कर रही हैं। इसके अलावा चतरा से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं कालीचरण सिंह, उन्हें भी वहां बुलाया गया है ताकि जो भूमियार वोटर्स हैं उनको वो बीजेपी के पाले में कर सकें। तो चूंकि ये आखिरी दौर का मतदान होना है और तो यहां पर जो प्रचार हो रहा था तो सभी ने सब कुछ झोंक दिया था और राजमहल सीट भी उससे अलग जो है वहां पर आपको नहीं दिखेगा। अगर हम राजमहल सीट की ही बात करें तो यहां आपको बता दें कि 17 लाख से ज्यादा मतदाता जो है यहां अपने मताधिकार का प्रयोग 1 जून को करेंगे, जिसमें कि पुरुषों की संख्या अगर हम कहें तो 8,51,000, महिला जो हैं वो 8,53,000 और थर्ड जेंडर जो हैं वो 10 वोटर हैं और कुल प्रत्याशी यहां पर 14 हैं। वोट प्रतिशत 2019 में यहां लगभग 72% वोटिंग हुई थी, तो ये एक ऐसा जोन है जहां पर कि जो परसेंटेज ऑफ वोट होता है, जो कास्ट होता है, वो हमेशा अपर साइड में रहता है। तो एक बार फिर से हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार फिर से ज्यादा मतदाता घरों से निकलेंगे और वोट करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप राजमहल की बात करें तो राजमहल में भी मुकाबला दिलचस्प बन गया है। अभी ये त्रिकोणीय दिख रहा है, विजय हंसदा वर्सेस ताला मरांडी और फिर इन दोनों को चुनौती दे रहे हैं लोबिन हेमरम। अब ये त्रिकोणीय मुकाबला मतदान वाले दिन किस तरह से रहता है,
क्योंकि अभी जो समय बचा हुआ है अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और मतदाता अपना मन बनाएंगे। चलिए तो अभी भी प्रत्याशियों का काम जो है वो खत्म नहीं हुआ है रंजन जी। इस वक्त जो तमाम स्टार प्रचारक हैं आज पूरा जोर आखिरी चरण में लगाते हुए नजर आए। कल्पना सोरेन भी पहुंची थी, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी पहुंचे थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी पहुंचे थे और तमाम जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया। सीटों पर भी चर्चा हो रही थी। एक और सीट है संताल की गोड्डा, जिस पर चर्चा करना लाजमी है क्योंकि यहां से बीजेपी के सांसद रहे निशिकांत दुबे लगातार और फिर से चुनावी मैदान में हैं और अपनी जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त हैं, तो वहीं उन्हें टक्कर देने के लिए इंडी गठबंधन से प्रदीप यादव यहां चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं। तो निर्दलीय अभिषेक झा भी देवघर से गोड्डा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन देवघर में उनकी मजबूत पकड़ से इनकार नहीं किया जा सकता, वो भी चुनावी टक्कर दे रहे हैं। तो कैसा मुकाबला गोड्डा में नजर आ रहा है, यहां के समीकरण क्या है और क्या सीट कह रही है, रंजन जी आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए गोड्डा में निशिकांत दुबे पिछली तीन बार से जो है वो चुनाव जीत रहे हैं और वो जीत का चौका लगाने को बिल्कुल बेताब हैं। दूसरी तरफ प्रदीप यादव हैं जो अपनी पिछली हारों का हिसाब निशिकांत दुबे से चुकता करना चाहते हैं और इन सब के बीच तीसरा कोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं अभिषेक झा। उसमें वो कितना कामयाब होते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप कहें तो वहां पर ये जो है वो स्थिति है। देखिए गोड्डा की अगर हम बात करें तो जो संथाल की हम तीन सीटों की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा वोटर जो हैं वो गोड्डा में ही हैं। 20,28,154 वोटर जो हैं वो गोड्डा में हैं, जिसमें पुरुष जो हैं वो 10.5 लाख से ज्यादा हैं और महिलाएं जो हैं वो 10.25 लाख से ज्यादा हैं। थर्ड जेंडर के भी 17 वोटर्स जो हैं वो गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत अपने मत का प्रयोग करेंगे। 19 प्रत्याशी गोड्डा के मैदान में हैं, लेकिन चर्चा तीन नामों की हो रही है, निशिकांत दुबे जिन्हें की अपनी ये सीट बचानी है, दूसरे प्रदीप यादव जो कि निशिकांत दुबे को चुनौती दे रहे हैं और ये सीट छीनना चाहते हैं, और तीसरे अभिषेक झा जो कि तीसरा कोण बनाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम समीकरण की बात करें तो देखिए पिछली बार जो है निशिकांत दुबे ने यहाँ 2.25 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। इनफैक्ट 1,84,000 से ज्यादा मतों से निशिकांत दुबे जीते थे और जो वोट परसेंटेज का फर्क था वो 15.5% के आसपास था उनके और प्रदीप यादव के बीच में। अब अगर हम इसे देखें कि यहाँ पर जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो मुस्लिमों की आबादी है वो अच्छी है। अगर उनके वोटर्स की बात करें तो 21% जो है वो मुस्लिम वोटर्स हैं, यादव 7% हैं। तो निशिकांत दुबे के खिलाफ प्रदीप यादव की रणनीति है कि वो इस माई वोटर्स को अपने साथ जो है वो जोड़े रखें और वो 28% मत जो है उन्हें मिले। इसके अलावा यहाँ पर शेड्यूल कास्ट 11% और शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं वो लगभग 12-13% के आसपास हैं। तो इन वोटों में तो बंटवारा होता है, दोनों तरफ ये वोट जाते हैं और ब्राह्मण और वैश्य जो हैं 2.5-2.5 लाख के आसपास जो है वो पाए जाते हैं। तो इनके वोटों की कीमत जो होती है वो ज़्यादा होती है और ये डिसाइड करते हैं कि गोड्डा पे जो है वो कौन सांसद बनेगा। और यही वजह है कि इन वोटों की मदद से निशिकांत दुबे आज तक चुनाव जीतते आए हैं। अब देखना है कि इस बार जो है ये इक्वेशन उनके साथ रहता है या इसमें सेंधमारी कर पाने में अभिषेक झा कामयाब होते हैं। हालांकि अब कितना ये हो पाता है, चूंकि मुकाबले को त्रिकोणीय बनाना इस चुनाव में जो कि बहुत ज्यादा पोलराइज्ड हो रहा है दो पोलों के बीच में एनडीए वर्सेस इंडिया, कितना हो पाता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी से इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभिषेक झा ने भी जो है अपनी पूरी ताकत लगाई है, बहुत जोर शोर से लड़े हैं और खास करके निशिकांत दुबे के खिलाफ बहुत वोकल भी रहे हैं अपने बयानों से। और देखिए यहाँ पर अगर प्रचार की भी बात करें तो कांग्रेस ने जो है बिल्कुल यहाँ पर अपनी पूरी टीम उतार दी थी। मैंने एक वीडियो देखा था, अपने यहाँ रिपोर्ट आई थी वहां से
मदन ने वो रिपोर्ट भेजी थी, उसमें बन्ना गुप्ता हैं जो मंत्री हैं, लेकिन वो पंपलेट बांटते हुए वो दिखे थे, गारंटी जो कांग्रेस की गारंटी योजना है उसको लेकर। तो ये चीजें बताती हैं, राजेश ठाकुर वहां पर कैंप कर रहे थे, आज उन्होंने बताया कि इमरान प्रतापगढ़ी भी आए हुए थे, प्रियंका गांधी की सभा वहां पर लगी। तो कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से सब कुछ झोंक दिया है गुड्डा में, क्योंकि गुड्डा में जो संथाल में 3 सीटें हैं उसमें से गुड्डा ही एक ऐसी सीट है जहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और उसको वो सीट हर हाल में जीतनी है और इसीलिए उसने अपना पूरा दम लगाया है। दूसरी तरफ निशिकांत दुबे हैं जो अपने कामों का बखान करते हैं, लेकिन स्टार प्रचारक उनके लिए भी कम नहीं आए, वहां पर सारे लोग पहुंचे, राजनाथ सिंह वहां पर गए थे, मोहन यादव की सभा लगी वहां पर, यहां तक कि स्टार दिनेश प्रसाद निरहुआ और आम्रपाली दुबे भी यहां पर आई। तो सभी ने मिलकर जो है वो चुनाव प्रचार किया है और बीजेपी ने पूरा जोर लगाया है और निशिकांत दुबे भी इस बात को अच्छे से समझते हैं, इसलिए बीजेपी भी हर हाल में गोड्डा की सीट चाहती है और इसलिए चाहती है कि गोड्डा को वो अपना ट्रेडिशनल सीट मतलब पारंपरिक सीट के जैसा मानकर चलती है, क्योंकि यहाँ पर जो है उसे कई बार जो है सफलता मिली है, पिछली 3 बार से तो निशिकांत दुबे ही यहाँ से सांसद हैं। तो इसलिए जो गोड्डा का चुनाव है इस बार बहुत दिलचस्प बन गया है, पहले ये लगता था कि ये वन साइडेड होगा, लेकिन मुकाबला जैसे जैसे करीब आता गया, चुनाव बनता गया, चुनाव की रोचकता बढ़ती गई, अब वोटिंग वाले दिन 1 जून को क्या होता है उस पर जो है बहुत कुछ निर्भर करने वाला है कि ये जो जातीय समीकरण है वो किसके पक्ष में जाता है, क्या जनता निशिकांत दुबे के जो विकास के दावे हैं उसे मानती है, या प्रदीप यादव जो अपनी बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे ने विकास नहीं किया है, जनता उनकी बातों पर विश्वास करती है, या अभिषेक झा अपनी बातों को कहने में सफल होते हैं, ये तो आपको 1 जून को वोटिंग के जरिए वो लोग बताएंगे, एक्सप्रेस करेंगे और 4 जून को वो रिजल्ट के तौर पर हमारे आपके सामने होगा। बिल्कुल, तो चुनावी प्रचार ने काफी रफ्तार पकड़ी और देखिए कई कद्दावर चेहरे संताल की धरती पर नजर आए, प्रधानमंत्री भी यहां पर चुनावी प्रचार करने पहुंचे और तीनों सीटों को साधते हुए नजर आए। तो वहीं कल्पना सोरेन ने भी पूरा दमखम लगाया है इन तीनों सीटों पर और प्रत्याशी अपने स्तर से भी इन सीटों पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए और लगातार करते हुए नजर आए। कई मंत्री इंडी गठबंधन से राज्य के मंत्री भी पहुंचे और तीनों प्रत्याशियों के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया, रोड शो हुए, तमाम तरीके के हथकंडे जो मतदाताओं को आकर्षित करते हैं वो तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए गए हैं। अब सबकी किस्मत को 1 जून को ईवीएम में कैद करेगी यहाँ की जनता और किसे यहाँ का सरताज बनाती है, किसे चुनती है, ये तो 4 जून को पता चलेगा जब ईवीएम में सभी की किस्मत कैद होगी। बहरहाल 1 जून को यहाँ चुनाव है और उसके लिए प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं और मतदाताओं से एक बार फिर न्यूज बाइस को भी अपील करता है कि भले ही गर्मी बढ़ गई है इन दिनों लेकिन तब भी आप पहुंचें क्योंकि 5 साल में यह मौका आपको मिला है और आपको अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए यह बेहतर समय है, जिसे आप चाहते हैं उसे जाकर वोट करें लेकिन अपने घरों से मतदान के लिए जरूर निकले।